Good morning, my dear friends and my dear viewers. Today is 26 January 2023 and wish you all a 74th Happy Republic Day. और अभी हम हैं एम्स ओपीडी और ये बस है जो जा रही है गांधी मैदान. एज यूजुअल हाय विवेक, से हाय एटलीस्ट. एज यूजुअल बिफोर टाइम एंड एज यूजुअल हमारे कैशियर साहब नेवर ऑन टाइम. कैशियर साहब नींद में है क्या? नींद में है कैसे साहब? ना भाई, अरे वीडियो बना रहा है. ये लाइन बड़ा अच्छा था. ये देखो सारे लोग चल रहे हैं 7 नंबर गेट पे. 7 नंबर गेट बोल बोल के पूरा गांधी मैदान का चक्कर लगवा दिया. सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मैंने कम्युनिकेट नहीं किया, पहले इसको इन्फॉर्मेशन नहीं. हम लोग रुक गए थे पहले 10 नंबर गेट पर, जो कि जाना है 7 नंबर गेट से एंट्रेंस है. ये सब किया जा रहा है कैशियर साहब. माननीय डीजीपी साहब अपने काफिला के साथ ये कंट्रोल पैनल सारी मीडिया कर्मी. अब हम लोग चले गए थे उधर. कैसी है साहब, कुर्सी मिली आपकी? फाइनली ये एंट्री हो गई राहुल जी के चक्कर में. 7 नंबर गेट बोल के पूरा गांधी मैदान का चक्कर लगा है हम लोग. और ये सारी हमारी टीम, ये आईपीडी से इमरजेंसी वार्ड. बाकी दो लोग कहाँ से हैं आप लोग? बस इमरजेंसी वार्ड और साइकेट्री. और आप? सॉरी, आईसीयू. पूरा आईसीयू उठ के आया है, पूरा साइकेट्री है, पूरा इमरजेंसी वार्ड है. और वो आ रही है काफिला. कैशियर साहब लेट से आए हैं आप, जलेबी खिलाना पड़ेगा ऑफिस में. यही आपको दिलवा देंगे. ना ना ना, लेट से आप पेनाल्टी आनी ऑफिस में लगेगा ना. चार्जशीट पेपर टेक्सा तो बढ़ा रहे हैं. एम्स पटना की सारी टीम, ANS 1 2 3, बाकी नर्सिंग ऑफिसर्स. कैशियर साहब पीछे है, दोनों कैशियर एक साथ. अगवानी के लिए उपस्थित है पुलिस महानिदेशक बिहार, आयुक्त पटना प्रमंडल, सब एरिया कमांडर बिहार झारखंड, जिला अधिकारी पटना के साथ राज्य सरकार. महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री ओर बढ़ते जा रहे हैं. अब कुछ ही देर होने वाले टुकड़ियों का निरीक्षण के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध करने के लिए भारतीय पुलिस के अधिकारी सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं. इंस्पेक्टर गगन सैनी, प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर अनिल कौशिक, सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार. एनसीसी आर्मी गर्ल्स कंपनी कमांडर अंडर अफसर संजना कुमारी, प्लाटून कमांडर अंडर अफसर रेणी कुमारी, अंडर अफसर राखी रंजन. संघर्ष और क्या आज के संदर्भ में देशभक्ति का केवल यही हो सकता है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी से काम करना और मिलकर काम करना. हमें त्याग देश के लिए जीने का मौका जरूर मिला है. ऐसा काम करने का अवसर जो हमारा नियमित काम ही है किंतु अच्छी भावना के साथ किया गया हो, यही देशभक्ति होगी. ऐसी कौन सी भावना है
कौन सी बातें हैं जिन्हें आज गणतंत्र दिवस पर हम सोचें। भारत देश यानी मानवता अधिकार नहीं कर्तव्य, एक घटना, एक राष्ट्रीय चिन्ह, एक रचना और एक प्रतीक के माध्यम से। पुलिस पुरुष जिला प्रशासन का ये अपना बल है, नेतृत्व कर रहे हैं सार्जेंट
प्रभय कुमार सिंह, प्लाटून में है सार्जेंट आदित्य शेखर झा और सार्जेंट अरविंद कुमार सिंह। दंगा निरोधक दस्ता महिला, इस टुकड़े का नेतृत्व कर रहे एएसआई उत्तम कुमार, प्लाटून में है सब इंस्पेक्टर संत प्रसाद और सब इंस्पेक्टर राधेश्याम। इसके पीछे होमगार्ड पुरुष, नेतृत्व सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार, प्लाटून में सब इंस्पेक्टर संजय राम और एएसआई रमेश पांडे। आजादी प्राप्त करने के बाद सन 1947 में गृह रक्षा वाहिनी जैसे स्वयंसेवी बल का गठन किया गया। यह संगठन विशेषकर सैन्य बल के साथ सहयोगी बल है जो राज्य के आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमा पर कार्यरत बल को भी सहयोग प्रदान करता है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जैसे सपूतों का संबंध भी इस बल के साथ बना रहा है। होमगार्ड महिला का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर मंजू कुमार। परेड के पीछे मन से गुजरते हुए एसएसपी की तीन टुकड़ियां 1948 ईस्वी में हृदयनाथ कुंजर की सिफारिश पर राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। एनसीसी आर्मी बॉय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर अफसर अजय कुमार, एनसीसी आर्मी गर्ल नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर अफसर संजना कुमारी, एनसीसी नेवी सीनियर कैडेट कैप्टन आलोक भंडारी और एनसीसी एयर विंग नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट अंडर अफसर ऋतिक। ये मंच के नजदीक से गुजरती हुई टुकड़ी एनसीसी नेवी की और ठीक इसके पीछे एनसीसी एयरफोर्स की और एनसीसी की टुकड़ियों के बाद श्वान दस्ता कर अपराधियों को पकड़ने में दक्ष श्वान दस्ता में प्रशिक्षित 6 कुत्तों को आज के परेड में शामिल किया गया है। नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर जितेंद्र बहादुर सिंह और हवलदार इंद्र बहादुर थापा। अग्निशाम दस्ता आग बुझाने मलबे से निकालने जैसे सामाजिक कार्यों में दक्ष अग्निशाम का 2 दस्ता आज के परेड में शामिल किया गया है। हाइड्रोलिक दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं संचालक दीपक कुमार और अग्नि दीपक साव दूसरे दस्ते में नेतृत्व कर रहे हैं। अग्नि चालक सोनू कुमार, अग्नि अवधेश कुमार और विजय राम और जिनके धुन पर आप ये टुकड़ी पर एक मार्च करते हुए मंच के नजदीक से गुजरी वो ग्राफ बैंड की टुकड़ी है बीआरसी की। 1950 के गणतंत्र दिवस के अवसर से ही पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में परेड के अवसर पर ब्रास बैंड की इन टुकड़ियों का यू माइट बी फीलिंग प्राउड आज केम हियर फॉर द सेकंड टाइम बीआरसी के नेतृत्व में। कहते हैं ना कि ये जो मतलब चार टुकड़ियां काम कर रही हैं शब्द नहीं है दैट इज मतलब आई एम फीलिंग गूज़बम्प्स बीआरसी पाइप बैंड पता नहीं कैसा भी कर रहे हैं सूबेदार मेजर राजकुमार।